भी गोली जो चला था उसका निशान है, आप देख सकते हैं मेरे सामने, देख सकते हैं। तो स्वागत करते हैं आपको एक नए फ्रेश ब्लॉग में। और आज हम लोग पंजाब अमृतसर में हैं। कल हम लोग बाघा बॉर्डर गए थे, जो कल वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पता ही चल गया होगा। सो अभी हम लोग गोल्डन टेंपल और जलियांवाला हत्याकांड देख जहाँ पे हुआ था वहाँ पे जाएंगे। और गोल्डन टेंपल हमारे से 500 मीटर की दूरी पर है। सो हमने रात में ले लिया था एक होटल, होटल रूम हमें 1200 रुपये का पड़ा था। और कुछ इस तरह से होटल है भाई, इधर सारा सामान, इधर साहिल भाई बिहारी द ब्लॉगर। अभी निकलते हैं हम लोग रूम से बाहर और चलते हैं गोल्डन टेंपल और जलियांवाला हत्याकांड जहाँ पे हुआ था वो सब जगह देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सेम यही वीडियो हम फेसबुक पेज पर भी डालते हैं, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो पहले निकलते हैं होटल से बाहर। अभी हम लोग रूम से निकले ही थे और नींबू पानी चल रहा है, क्या है जी? सोडा वाटर है, नींबू सोडा। क्या नींबू सोडा भाई, कैसा लगा आपने अभी? आपको गिलास खत्म कर दिए आपको तो बच रहा है, मेरा दूसरा है भाई, तो खत्म दूसरा गिलास है ये मारेंगे। और उसको खा दे दिए जलियांवाला हत्याकांड देखने 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो चलते हैं, सारा जानकारी आपको वहाँ पे देंगे। और ये यूपी वाले भैया 20 रुपया के दे रहे हैं, लूट रहे हैं हमसे। फाइनली हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के पास पहुंच गए हैं, यहाँ से एंट्रेंस है। सो यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर चलते हैं, फाइनली अंदर एंट्री कर रहे हैं। और कुछ इस तरह से बना हुआ है भाई, आप देख सकते हैं। सोगा जैसे ही अंदर आते हैं तो आप लोग को इस तरह का एंट्रेंस मिलेगा जो अभी आपने देखा। और अंदर एंट्री कर गए हैं और भी काफ़ी कुछ है अंदर में जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे आगे ही शहीद कुआं है, देख ले, इसी के अंदर कुआं था, इसी में काफ़ी लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, जिसमें 120 लोगों का बॉडी निकाला गया था। सोई से तब से शहीद कुआं बोला जाता है। और चारों तरफ से भाई शीशा लगा दिया गया है, पता नहीं क्यों पैसा डाला जा रहा है इतना, मुझे पता नहीं है। तो इसी को सही दुखना बोलते हैं। उस जगह पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलवाया था, तो 10 मिनट ही गोलीबारी हुआ था भाई। उसमें जो गोली लगा था वो कुछ दीवार पे भी लगा था भाई, ये देख सकते हैं कुआं के जस्ट सामने है। तो ये जब जनरल डायर ने हमला करवाया था तो उसी के पीछे, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहीं पे काफ़ी गोली लगा था। और कुआं में काफ़ी लोग कूदे थे जिसमें से 120 को निकाला गया था। ये यहाँ पे एक सभा का आयोजित हो रहा था और मेला भी लगा हुआ था उस समय, शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। सो फिर भी मेला देखने के लिए आए थे। और यहाँ से निकलने का जो गेट था काफ़ी छोटा था, इसी कारण जान बचाने के लिए लोग कुआं में कूदे थे। बाकी जितना मुझे पता चल रहा है मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा कर रहा हूँ। सो वीडियो को पूरा देखें। देखिए यहाँ पे भी गोली जो चला था उसका निशान है, आप देख सकते हैं मेरे सामने, देख सकते हैं मतलब निशान दिया गया है। जो भाई गोली चला था उसका सब निशान है भाई, मतलब देख सकते हैं। Thank you.
सो भाई जनरल डायर 20 मिनट में इतना हमला करवा दिया था भाई। भाई यहाँ पे 24 बुलेट की निशान है जो कि आप नीचे भी देख सकते हैं, गड्ढे में भी है, और ये सारा जनरल डायर का क्रूरता का भाई ये निशान है। 1919 का वो दिन भूलने वाला नहीं है और कोई भी भारतीय वो दिन भूल नहीं सकता है। ऐसा दिन था 1919 वाला। तो सोचे हम अभी देख रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है, जो उस टाइम यहाँ पे मौजूद होंगे उनको कैसा लग रहा होगा। तो भाई काफ़ी वो डरावना दिन होगा क्या ना भाई, एकदम भाई क्या हुआ था हमारे पूर्वज के साथ सोच लो। और काफ़ी लोग अपने बच्चे के साथ, महिला लोग उस कुएं में कूद गए थे, इसमें 122 भाई इतना का डिटेल दिया हुआ है बाकी का नहीं, और 388 कुछ अंग्रेज बुक में दिए थे, जबकि ऐसा नहीं है उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग का डेट हुआ था। पता नहीं यार, हम लोग को भी पता नहीं। और ये क्या अमर ज्योति है? हाँ। क्या बोलूँ, फोर्थ के पास पहुंच गए हैं, मतलब गैलरी फोर्थ के पास, और यहाँ पे भी अंदर फोटो लगाया गया है। सो एक बार देखते हैं अंदर चल के, और अमर ज्योति के पास भी आया हूँ, उसका सीन भी आप लोगों को मिलेगा। सो सबसे पहले चलते हैं अंदर। अमर शहीद ज्योति है जो कि लौ जलते रहता है एनी टाइम, जो शहीदों के याद में जलता है, और ये 24 आवर जलते रहता है, मतलब कभी बंद नहीं होता है। तो यही है अमर ज्योति शहीद। चलते हैं गैलरी वन में, और उसके बाद टू में चलेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे यार, क्योंकि गोल्डन टेंपल भी जाना है। तो चलते हैं गैलरी वन में।